देश छोटा है पर हौसले नहीं, लोग कम है पर हिम्मत नहीं। जी हाँ, यही है असली नेपाल। और नेपाल एक चीज में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। जब दुनिया में 3.2 बिलियन लोग मॉडर्न हीटिंग मेथड पर और ओपन फायर पर डिपेंडेंट है, साथ ही नेचर और हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, तो वहीं दुनिया के एक छोटे से हिस्से में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेहतरीन काम हो रहा था। दोस्तों, इस रेस में नेपाल काफी अलग निकला है और इसमें कई लोगों का योगदान भी है। साथ ही बीते 30 साल में नेपाल ने इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं और दिखा दिया है कि इसमें भी बहुत दम है, क्योंकि नेपाल ने इससे बचाए हैं करीबन 33 बिलियन रुपीज हर साल, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को तो बचाया ही बचाया है और खेती पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है इसका। और ये कुछ नेपालियों की ही देन है जिनकी साइंस और वर्किंग के चलते ये हो पाया है। और यही आज के हमारे चर्चा का विषय भी, जो कि है नेपाल्स रियल बुलशिट। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही वियर्ड लग रहा है, लेकिन नेपाल का फ्यूचर कहीं ना कहीं और चीजों के साथ इसमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, जो कि है डंग हीप में। और दोस्तों, आज है 5 जून और आज है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सो एवरीवन शुड थैंक्स दिस एनवायरमेंट फॉर योर लाइफ। नमस्कार, एनएन न्यूज़ के चर्चा का एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज इस चर्चा के एपिसोड में हम बात करेंगे नेपाल की एक अहम चीज की। तो चलिए जानते हैं इस विषय को और विस्तार से। बायोगैस। दोस्तों, नेपाल में करीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोकली डिजाइन हाउस होल्ड बायोगैस डाइजेस्टर यानी कि गोबर गैस प्लांट्स हैं, जो कि आपको दुनिया में शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे इतने छोटे और लोकल स्तर पर। इससे नेपाल बहुत बड़े लेवल पर अफेक्टेड है और शायद ही आपको पता भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस प्लांट में नेपाल को यहाँ तक लाने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और कई कॉमन नेपालियों ने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी की है। नेपाल में कई छोटे गैस बायोडाइजेस्टर्स को स्केल अप करके बड़े प्लांट्स लगा दिए गए हैं, जो बहुत प्रभावी हैं। और ये चीजें आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल रही है नेपाल में। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू उन ग्रेट लोगों को जिन्होंने इस पर काम किया, जिसकी हम ए टू जेड सरल शब्दों में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखे उन महान पर्सनैलिटीज के लिए जिन्होंने अपना पूरा टाइम लगा दिया आप लोगों की हेल्थ के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा ले। साथ ही वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो भरा हुआ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इसको पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि मैं देख सकता हूं, सिर्फ 43% लोगों ने ही बेल का आइकन दबाया है, तो प्लीज बेल का आइकन जरूर दबा लें। जैसा कि इसके पीछे कई लोगों की बहुत कड़ी मेहनत है, पर जिन्होंने इसे स्टार्ट किया वो है जॉन। जी हाँ, जॉन को ही कहा जाता है फादर ऑफ नेपाल गोबर गैस। दोस्तों, जॉन 1973 में नॉर्दर्न आयरलैंड से आए थे यूनाइटेड नेशन मिशन टू नेपाल के तहत। उन्होंने नेपाली लैंग्वेज सीखी, उसके बाद नेपाली इंजीनियरिंग कॉलेज बुटवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में नेपाली स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन नेपाल में ही बिता दिया और यहाँ पर डेवलपमेंट किया बायोफ्यूल प्रोडक्शन का और लोगों को स्किल्स दी गोबर गैस प्लांट्स पर लेकर। दोस्तों, 1977 में ही इन्होंने गोबर गैस एग्रो इक्विपमेंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी रजिस्टर की यहाँ पर, जिससे इनकी सोच और तमाम नेपाली बच्चों की मेहनत से ही आज नेपाल में लोकल लेवल पर करीबन 3 लाख से भी ज्यादा बायोगैस वर्किंग यूनिट्स हैं, जो नेपाल को काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाते हैं कई मामलों में, जो कि नेचर, क्लाइमेट, साथ ही साथ इकोनॉमिक तौर पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं नेपाल में। तो सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि ये बायोगैस यानी कि गोबर गैस प्लांट वर्क कैसे करता है। दोस्तों, हर ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ता है और उसे सड़ाते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगस, जो इसे डिकम्पोज करते हैं यानी कि सड़ाते हैं। हर डिकम्पोजिशन से कुछ गैसेस निकलती हैं और बाद में बचता है कुछ वेस्ट। वेस्ट तो धरती में मिल जाता है, लेकिन वो गैसेस कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में जाती हैं। पर गोबर गैस इन्हीं का एक सॉल्यूशन है जो नेपाल कर रहा है बड़े पैमाने पर। क्या हो कि इन ऑर्गेनिक चीजों को कुछ प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज किया जाए और इनसे निकलने वाली गैसेस को हम स्टोर करें और उसको काम में लाएं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं गोबर गैस यानी कि बायोगैस प्लांट्स। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए एक बड़े टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऊपर से कर्व होता है और टैंक में एक तरफ से ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है, और ये वेस्ट होता है घरों का ऑर्गेनिक वेस्ट, फार्मर्स का ऑर्गेनिक क्रॉप्स का वेस्ट, शुगर मिल्स का वेस्ट, बियर मिल्स का वेस्ट या फिर एनिमल्स का वेस्ट, यहाँ तक कि ह्यूमन वेस्ट जो कि सीवेज के थ्रू आता है उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, और साथ में इस्तेमाल करते हैं करीबन 10% गोबर को। गोबर इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इसको डिकम्पोज करने के लिए
काफी अच्छे होते हैं। तो इस टैंक में आर्चिया टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टैंक में डिकम्पोजिशन करते हैं, और इसके लिए टैंक्स को इसलिए चुना जाता है क्योंकि हमको प्रोसेस करना होता है एनएरोबिक, यानी कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी होती है, तभी ये डिकम्पोजिशन गैसेस में कन्वर्ट होगी जो कि काम की गैसेस होंगी, जिसके लिए टेम्परेचर लगता है करीबन 35 से 60 डिग्री तक की, और 14 दिनों में ये डिकम्पोजिशन पूरी खत्म हो जाती है। टैंक के ऊपरी हिस्से में आपको मीथेन और कई और गैसेस मिल जाएंगे, जिसमें से मीथेन होती है करीबन 60-70%, और वही होती है बायोफ्यूल जो कि एलपीजी की तरह जलती है। इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो मीथेन को और ज्यादा फिल्टर भी कर लिया जाता है, और इसी मीथेन का यूज करके गाड़ियां चल सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, साथ ही साथ कुकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली ये यूज हो सकती है मीथेन, जो कि एलपीजी का एक सब्स्टिट्यूट है। और साथ ही जो 14 दिनों के बाद वेस्ट निकलता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है और किसानों उसको खरीदते हैं, तो है ना एक विन 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 प्रोसेस नेपाल के लिए, यानी कि ट्रिपल विन प्रोसेस, क्योंकि हमको मिलता है एक अच्छा ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही साथ हमको मिलते हैं फर्टिलाइजर जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जो कि किसानों को हेल्प करते हैं, और तीसरी चीज होती है मीथेन जो कि हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं अपने कुकिंग और कई और प्रोसेस में। तो नेपाल के लाखों गोबर गैस प्लांट इसी प्रोसेस पे वर्क करते हैं। तो नेपाल में एक सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है जो कि है गंडकी ऊर्जा पोखरा में, और ये प्लांट हर दिन करीबन 200 यानी कि 200 सिलेंडर मीथेन के प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और इस गैस को पोखरा के ही कई बड़े होटल्स में खरीदा जाता है, तो कहीं ना कहीं कचड़े से एक इतनी यूजफुल चीज निकल जाती है। आपको बता दें कि नेपाल की चल रही कोविड क्राइसिस में इस गंडकी ऊर्जा जो कि पोखरा में है काफी ज्यादा हेल्प की है हॉस्पिटल तक मीथेन पहुंचाने में, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज देखने को मिली थी नेपाल में कोविड के टाइम पर, तो गोबर गैस ने नेपाल में बहुत ज्यादा स्केल अप किया हुआ है। अब ये चीजें कैसे अफेक्ट कर रही है नेपाल को? दोस्तों, नेपाल को चाहिए हर साल करीबन 500,000 टन से भी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, और जिसमें से करीबन 5,000 टन तक फर्टिलाइजर की पूर्ति कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक प्लांट्स, जो कि हैं गोबर गैस प्लांट्स, जो कि फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इससे नेपाल को फर्टिलाइजर कम इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और ये फार्मिंग में एक बड़ा रेवोल्यूशन भी होगा, क्योंकि नेपाल केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ मूव करेगा, जो कि जमीन के लिए भी अच्छा है, वातावरण के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, नेपाल की कई गोबर गैस प्लांट से इतनी मीथेन प्रोड्यूस होती है कि वो करीबन बचत करती है नेपाल की गवर्नमेंट को 32 बिलियन रुपीज की। जी हाँ, क्योंकि अगर नेपाल के पास 3 लाख से भी ज्यादा स्मॉल यूनिट्स के गोबर गैस प्लांट्स नहीं होंगे तो नेपाल की गवर्नमेंट को करीबन 32 बिलियन रुपीज की एलपीजी खरीदनी पड़ती बाहरी देशों से, और उससे मुनाफा कमाते बाहरी देश। तीसरी चीज जो इससे हो रही है नेपाल में वो है डिफॉरेस्टेशन पर भी रोक लग रही है, यानी कि जंगलों की कटाई पर, साथ ही साथ इससे नेपाल के क्लाइमेट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के साथ साथ एक अच्छा ऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट भी है। और जो पांचवा बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है नेपाल की वुमेन्स पर। जी हाँ, उनकी लाइफ काफी ज्यादा सरल हो रही है, साथ ही साथ एक बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है जिसके तहत उनको मिल रहा है क्लीन कुकिंग फ्यूल, यानी कि साफ खाना बनाने का ईंधन, जिससे उनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है। तो है ना ये नेपाल के लिए एक रेवोल्यूशनरी फ्यूल। दोस्तों, कहा जाता है कि नेपाल का फ्यूचर हाइड्रो पावर प्लांट में है, लेकिन इस चीज में भी बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है, जो कि नजर आ रहा है डंक हीप में, क्योंकि ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी है, और शायद ही दुनिया में कोई इसको बड़े स्तर पर ले जाने की सोच भी रहा हो। और अभी के टाइम पर नेपाल कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है इसको नेपाल के दूर दराज के इलाकों तक फैलाने में। तो जितने भी लोग ऐसे फ्यूल्स पर स्विच कर सकते हैं वो इस फ्यूल पर जरूर स्विच करें, साथ ही ज्यादा पेड़ लगाएं और नेपाल को क्लीन और ग्रीन रखें। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि ये सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।